खबर टोंक से है, जहां किदवाई पार्क के बाहर परिषद की मनमर्जी से अतिक्रमण हटाया गया। बता दें, 10 से 15 साल पुरानी स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें अतिक्रमण कर हटा दी गई हैं। कार्रवाई के विरोध में फुटकर व्यापारियों ने नगर परिषद द्वारा बनाए गए पास दिखाकर विरोध किया, लेकिन नगर परिषद की टीम ने ऊपर से आदेश बताते हुए जबरन अतिक्रमण समझते हुए कैबिने को हटवा दिया। नगर परिषद ने जो कार्रवाई की है, इसके बाद वो खुद अपने सवालों में घिरते हुए नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नगर परिषद द्वारा जारी स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड क्यों नहीं मान रहे हैं। आखिरकार नगर परिषद की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो कार्ड की भी जारी दे कर दिया गया और मानने से भी मना कर रहे हैं वो। स्ट्रीट वेंडरों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं नगर परिषद की यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। अतिक्रमण दस्ते का कहना है कि ऊपर से आदेश है और अतिक्रमण हटाना है। जानकारी कुछ भी नहीं है साहब। अभी दो चार दिन पहले मैडम आई थी, मैडम ने कहा है कि भाई ये गेट के पास पास में जो पार्किंग की जगह है, तो आप यहाँ से गेट के इस तरफ तीन के बिना हटा दो, गेट के इस तरफ तीन के बिना हटा दो। और हमने मैडम की जैसे आज्ञा अनुसार हमने सारा काम किया। इधर भी तीन के बिना इधर से हटा दी, तीन इधर से हटा दी, इस वाले गेट पर भी तीन इधर से हटा दी, तीन इधर से हटा दी। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो एक एक करके सारी उठाएंगे। अब आप बताओ हम मजदूर लोग कहाँ पर जाएँ। ये ऊपर से आदेश मिले हैं कि जो पार्कों के गेट पे जितनी भी कैबिने लगी हुई हैं उनको सबको हटाया जाए। ये करीबन सवेरे 10 बजे से कार्रवाई चालू है और किदवई पार्क से तो लगभग गेट के सामने से सभी कैबिनों को हटा दिया गया है। ये तो समय समय पर अतिक्रमण तो हटा ही दिया जाता था, ये तो अब लोग कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 15 साल से काम कर रहे हैं और है ना, इसके ऊपर जो है ना सर्वे कराया था नगर परिषद ने। नगर परिषद सर्वे करने के बाद में हमें आईडी दी यहाँ काम करने के लिए और पूरी जगह के नाम के साथ में कि इस जगह पर हमें काम करना है, और फिर भी नहीं, ये लोग परेशान कर रहे हैं हमें। खुद आईडी देते और खुद ही भगाते।